अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सदीका नौरीन फ्रॉम effectsforever.com। सबसे पहले तो आप सब लोगों को गुजरी हुई ईद मुबारक। कुछ मसरूफियत की वजह से हम लोग वीडियोस वगैरह नहीं बना सके, लेकिन अपने क्लाइंट्स को और जो डिस्कशन ग्रुप में मेंबर्स को डेली रोज जो है हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करवाते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रॉफिट में भी हैं और बहुत खुश भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना गोल्ड का एनालिसिस। गोल्ड को हम बाय रेंज में देखेंगे और ये जैसे मैंने एक नीचे से ऊपर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद के बीच में एक डिमांड जोन भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है और गोल्ड में मुझे सेल मजीद नहीं नजर आ रहा। गोल्ड को हम बाय में ही देखेंगे। गोल्ड अपनी रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा और गोल्ड में अगर हम एक चैनल लगाते हैं तो देखें गोल्ड अपने इसी चैनल में घूम रहा है और ज्यादा सेल के चांसेस इसके नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांग नहीं है। गोल्ड में हम ज्यादा गोल्ड को बाय ही देखेंगे और ये बाय ही जाएगा। बाकी मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। हम एक एनालिसिस दे सकते हैं या एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और गोल्ड में मैं आपको बता दूं इसका बाय का टारगेट ये अपनी इस जो है जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा तो बाय जाएगा। और टारगेट इसका वही है जो काफी टाइम से मैं आपको बता रही हूँ, 1850 से 1860। और यह ये गोल्ड इसको लाजमी हिट करेगा इंशाल्लाह। बाकी आगे देखते हैं, एनएफपी भी आएगा, मंथ का एंड भी चल रहा है तो होप सो के गोल्ड इंशाल्लाह अपना बाय वाला टारगेट लाजमी हिट करेगा। बाकी कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और ये भी हमें बताएं के करेंसी पेयर्स की वीडियो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई किसी भी पेयर का आपको एनालिसिस चाहिए तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। और चार्ट्स के लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का ग्रुप, वीआईपी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में जो गुजरा हुआ वीक है इसमें 2000+ पे जो है आए न्यू यूजर्स ने भी इसमें अर्न किए हैं। और बाकी आपको जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।